अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो आज हम आपको लेके जा रहे हैं कनाडा की दो खूबसूरत तरीन लेक्स, लेक मिनीवैंका और दूसरी है टू जैक लेक। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम होगा कनाडा में बीच जाने के लिए, जो कि अल्बर्टा प्रोविंस में है। तो हम इन दोनों का आपको टूर करवाएंगे, साथ ही में हमारे कजिन से बात और उनकी वाइफ के। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक किया नहीं सब्सक्राइब तो करिए प्लीज, फटाफट से सब्सक्राइब लाइक शेयर। मैं हैरान हूँ कि आज हमें बड़े आराम से पार्किंग मिल गई, काफी अच्छी वाइब है यहाँ पे। ओवरऑल जो है वो अच्छा लग रहा है। भाई ये देखो, ये बात यहाँ के बारे में ये बता रहे हैं कि ये काफी दफा यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ की मतलब क्या स्पेशलिटी है लेक मिनीवैंका की अगर बात करें? सबसे बेहतरीन चीज आपको यहाँ पर ये पूरा डॉक नजर आएगा, ये पूरा यहाँ पर बोट्स है। आप यहाँ से अपनी बुकिंग कराएं, बेहतर यही है कि आप पहले से बुकिंग करा लें। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है? ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। और कितने तक का टिकट होगा कोई आइडिया? तो मैंने $45 का लिया था, लेकिन आई थिंक आप ज्यादा हो गया, 55-50 अराउंड 50-60 डॉलर का होगा, 60 के अराउंड होगा। और जहाँ जहाँ आपको नजर आ रहा है पानी खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये बेसिकली इसके पीछे पूरा पानी है। कल तकरीबन आपका बहुत अच्छा व्यू लगता है, आप बोट जो है आपको बड़ी आसानी से लेके जाती है, यहाँ सेफ्टी का बहुत ख्याल है। और मैं तो हैरान हूँ आज बिल्कुल इतना कम रश है, वरना ये जगह बहुत पैक है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्योंकि शायद हवा यहाँ पे ज्यादा चल रही होगी इस वजह से, या फिर थोड़ा टाइम हो गया, 6 बज गए, मतलब नॉर्मली होता है इतना रश? यहाँ पर बहुत रश होता है पार्किंग लॉट में। मैं हैरान हूँ कि आज हमें बड़े आराम से पार्किंग मिल गई, लेकिन जब भी मैं आया हूँ यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। 10 मई है तो इतना रश नहीं है, लेकिन अगर यही चीज आप जून में करेंगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। और ये मतलब हम कहाँ तक वॉक करते हुए जा सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे पत्थर हैं, आप तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक है, आप बिल्कुल एंड तक जाएं और आप बेसिकली नीचे भी बीच पे भी उतर सकते हैं। ये पानी जो है लेक मिनीवैंका का बहुत ठंडा पानी होता है, तो इसमें आप अगर पैर डालेंगे 10 मिनट आपके पैर फ्रीज हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर आप कयाक भी कर सकते हैं, यहाँ पर बोट भी है। और आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे उस तरफ तो वेट सूट पहनकर आप थोड़ा सा उसके अंदर भी जा सकते हैं। ओके अच्छा, जैसे तुम यहाँ पे 10 साल से हो, तो 10 साल में यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होती हुई देखी है? अगर मैं लेक मिनीवैंका की बात करूँ और लेक लुइस वगैरह की बात करूँ, तो कुछ चेंज होता हुआ देखा है अपने सामने? एज सच तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इन्होंने अपनी सर्विस बहुत अच्छी कर ली है। जो बोट्स के टाइमिंग है वो ज्यादा हो गए हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो गई है, और यहाँ पर क्लीनिंग और मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो गई है। आपने जैसे देखा होगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो एक फेंस थी, पहले वो फेंस नहीं थी। अब यहाँ पर लोग पार्किंग के लिए नहीं आते, पार्किंग की जगह उन्होंने बिल्कुल सेपरेट बना दी है, तो इससे काफी अच्छा हो गया। और हर जगह पे टॉयलेट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, सारी डिटेल भी दी हुई होती है सारी के क्या करना है कैसे करना है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और मतलब यहाँ पे आने के लिए कोई वो भी नहीं है, कोई रिजर्वेशन वगैरह भी नहीं है? नहीं, ये सबसे अच्छी बात इस लेक मिनीवैंका की है कि इसका कोई टिकट नहीं है। अगर आपने बोट का टिकट लेना है तो आप पहले से बुकिंग करा ले, लेकिन आप यहाँ पर आए और अपनी वीडियोस बनाए, यहाँ पर पूरी बेंचेस दी हुई है, आप बारबेक्यू कर सकते हो, आप अपने अच्छा बारबेक्यू कर सकते हैं यहाँ पे लगे। अंदर की तरफ अगर आप आओगे तो आपके पूरी यहाँ पर बेंचेस दी हुई है, तो आपको बैठने की भी जगह है। तो बारबेक्यू वगैरह के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन कहीं काउंसिल में करनी पड़ती है, या आप डायरेक्ट आ जाए वहाँ पे कर ले आगे? आप अपने तौर पे कर सकते हैं। तो वो कोल का करना होता है या फिर गैस वाला जो होता है वो करना होता है? ज्यादातर लोग यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? ज्यादातर लोग यहाँ पे कनाडा में आई थिंक मैंने गैस वाला यूज करते हुए देखा है ना, प्रोपेन गैस जो होती है। सही, थैंक यू यार। और ये देखो, ये इस तरह के जो है ना यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत नजारे हैं, यहाँ पे सामने पहाड़ है और बस ये लेक है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अगर सूरज होता तो और ज्यादा इस वक्त खूबसूरत मंजर होता एनीवे, क्योंकि जो है वो ये बादल होते हैं तो बादल के अंदर जो है ना सूरज छुप जाता है, तो उस वजह से ये गेम हो जाता है। Close your eyes, get out of your mind.
रही है ना ये बाकी पिछली लेक से भी और अच्छी लग रही है, क्योंकि देखो बिल्कुल जो ना खुला हुआ है ये, आप देखो एकदम आपके नीचे समंदर, ये बिल्कुल वॉर्फ वाला लुक दे रही है ना, बिल्कुल ये वॉर्फ जगह का लुक दे रही है जो हम लोग पोर्ट स्टीफन कहते हैं ना, हाँ वॉर्फ में जैसे जाते हैं ना वही का बिल्कुल सेम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, जगह बहुत प्यारी है। चलो इबाद भाई को हम क्रेडिट दे देते हैं क्योंकि इन्होंने हमें बताया था इस लेक का। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप बोट भी हो कयाक भी हो सब रेंटल आप कर सकते हैं। मैं तो बात को बोल रहा हूँ कि खरीद लो और खरीद बेगम लो। बेगम के साथ आ जाना फिर बोट में, आप जो है वो निकल जाओ दो तीन दिन के लिए, खरीदने के लिए रेंट पे भी ले सकते हैं और इसमें डेली रेंट भी होता है, वीकेंड भी होता है, 5 days भी होता है। नहीं मगर मजाक से हट के आप खरीद ही ले, हम आएंगे तो फिर हम तुमसे रेंट पे ले लिया करेंगे और क्या, हर साल हम लोग तुमसे चला के वापस छोड़ के चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा रेंटल का काम तो अच्छा होता है ना कनाडा में, अगर जो भी लोग आएंगे यहाँ पे जो सीजन चल रहा होता है तो लोग आएंगे रेंट पे लेंगे और तुम्हें जो है वो मनी मनी पे डॉलर ही डॉलर, और क्या बस आपको नहीं करनी बोटिंग, कोई मसला नहीं है, आप करो इन्वेस्ट करो रेंटिंग। मैं खरीद की जो है बात को दे दूंगा, तुम्हारे घर पे आएंगे लोग तो वहाँ से लेके चले। ये देखो शेख चिल्ली के ख्वाब शुरू हो गए, हो गए शुरू हो गया। तो कितने की मिलेगी ऐसी बोट, कितने की होती है? 700 नहीं करो नहीं यार खरीदने की 700 से ज्यादा होगी, खरीदने की 1500 की होगी, 1500 से 2000 यार नहीं है, ऐसी बोट खरीद के मैं गिफ्ट कर देता हूँ अगले साल सालगिरह। किसको गई? व्यूवर्स को गिफ्ट करेंगे मुझे मेरी बात कर रहे थे तो खुद चलानी होगी, मगर खुद चलानी होगी। हाँ तो मैं सीख लूंगी, लाइसेंस वाइसेंस ले लूंगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बोट के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसा पाकिस्तान नहीं है कि माड़ी मनोड़ा पे लेके। ये वैसे कितने की सीरियसली है ना, देख के बता रहे 2000 की है, नहीं नहीं 2000 की तो मतलब अच्छी होगी, नहीं इससे ज्यादा नहीं, मिनिमम 2000 से स्टार्ट है, लेकिन 2000 से स्टार्ट होगा की होगी। हो गया भाई, चीख चिल्ली के प्लान बन चुके हैं शेरसाना और उनके साथ उनके दोस्तों के सब। सारी लेक्स के कलर मुझे तो सेम ही लग रहा है, मुझे तो कोई खास कलर इसमें क्या है, ग्रीन ग्रीन टर्कवाइज बिल्कुल ऐसे ही कलर लग रहा है मुझे तो। सो गाइस हम लोग इस वक्त लेक मिनी वोंका जो भी कह लो आप उसके ऊपर मौजूद है और काफी अच्छी वाइब है यहाँ पे, ओवरऑल जो है वो अच्छा लग रहा है, बड़ी लेक है, ठीक ठाक बड़ी लेक है, नजारे भी बहुत अच्छे हैं। मुझे और अच्छी बात ये लगी कि जो दोनों हमने लेक देखी ना उन दोनों का बिल्कुल ही अलग है नजारा, जैसे यहाँ पे अगर आप आए ना तो यहाँ और लेक एमरल्ड आप दोनों ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खुला हुआ है, पानी बहुत करीब है आपके बिल्कुल नीचे ही पानी, आप वॉर्फ की तरह जैसे यहाँ पे वॉक करते हुए जा रहे हो तो ना ये बिल्कुल ही अलग नजारा है। एमरल्ड लेक बिल्कुल कैसा नजारा है, वहाँ पे बेंच पे बैठ के हमने पिकनिक जैसे की थी, कल वाला ब्लॉग देखिएगा तो वो बहुत डिफरेंट है, तो दोनों लेक आप जा सकते हैं एक ही दिन में। एग्जैक्टली आप जा सकते हैं, ये बैंस के बहुत करीब है, बहुत पास है, तो ये मतलब कैलगरी से अगर मैं बोलूं तो तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर है और वो तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 100-125 किलोमीटर आगे की तरफ है, तो अगर आप लोगों को डे ट्रिप करना है तो दोनों जगह का आप एक दिन में कर सकते हो। एनीवे अभी हम लोग जो है वो यहाँ से एक और जगह जा रहे हैं जो ये बाद में बताइए, वो जगह टू जैक एक बीच है यहाँ पे, टाइप बीच टाइप बना हुआ, ऑब्वियसली कनाडा में आपको पता है कि बीच उस तरह के ओशियन तो होता नहीं है, बीच होते नहीं है, बट ये है कि वो लेक के ऊपर ही जो है वो बीच टाइप स्टाइल उन्होंने बनाया हुआ होता है। और अभी हम लोग चलते हैं तो हमारा ये फर्स्ट टाइम होगा कनाडा में बीच जाने के लिए, हम आज तक किसी भी बीच नहीं जा सके हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ओंटेरियो में जब थे तो वहां पे काफी सर्दी का टाइम था तो तब भी नहीं जा सके थे, हमने सोचा था कि वहां के जो बीच हैं कुछ ओंटेरियो के वो इंशाल्लाह कवर करेंगे, बट ये कि देखो इस साल अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो जरूर करेंगे, मगर इस वक्त जहां पे मौजूद हैं आप, जहां इस वक्त मौजूद होते हैं वहां की जो चीजें होती हैं नेचुरल ब्यूटी वो कवर करें तो ज्यादा मजा आता है। एक एक नजारा इतना प्यारा लग रहा है, ये बोट जैसे जा रही है तो अच्छी लग रही है, देखिए छोटा सा क्रूज टाइप का है, बोट है ये बहुत क्यूट लग रही है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी बोट देखी जिसके ऊपर कनाडा का झंडा भी लगा हुआ है तो अच्छा लग रहा है। वैसे एक और बात ये समय ने जो बताई है अभी कि कनाडा में ज्यादातर जगहों पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं या फिर बहुत सारे घर भी होते हैं, बोट्स होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं वहां पे हर जगह जो है ना कनाडा के झंडे लगे हुए होते हैं, हमने ये ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ये चीज नहीं देखी, तो ये थोड़ी जो है ना एक डिफरेंट चीज है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने यूएस की जो फिल्में होती थी ना, अमेरिकन जो हॉलीवुड फिल्में होती हैं उसके अंदर मैंने ये चीज नोटिस की थी कि वहां पे यूएसए के जो झंडे होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो शायद ये उनसे इंस्पायर हैं या फिर ये पहले होते थे। This world of ticking clocks, I hope I'm getting through. देखो हम लोग एक बीच पे आ गए हैं जिसका नाम है टू जैक बीच, ये बीच लेक टाइप की कोई जगह है, बीच भी है लेक भी है। इबाद भाई आज की जो है ना तीसरे स्टॉप पे लेकर आया हमें, तो इबाद थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से जो है वो काफी जगह हमने आज जो है वो समझ लो तीसरी
जगह दिख रही है और ये एक अलग ही जगह है टू जैक बीच। और ये पहाड़ देखो कितना जबरदस्त लग रहा है सामने, है ना, ये पहाड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे सामने। सो गाइस अल्बर्टा में हम लोग ये तीसरी चौथी जगह पे समझ लो लेक साइड है और बीच साइड है जो भी कह लो आप, ये पिकनिक पॉइंट है और हर जगह पे यहाँ पे समझ लो वॉशरूम देखो सामने इजीली अवेलेबल होते, कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं करने पड़ते। अगर हम मनोड़ा जाते तो वहां पे भी 20-30 रुपए 50 रुपए जितने में निकलवा लेते। जाओ यार तुम्हें वॉशरूम जाना है, जाओ क्या, ओके जाओ 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 भाग के जाओ। सो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग यार, अगर आपको पिकनिक स्पॉट्स जो होते हैं वहां पे जो है ना फ्री गवर्नमेंट के जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो मिल जाए तो जो बच्चे होते हैं स्पेशली और बूढ़े होते हैं उनके लिए बहुत आसानियां हो जाती हैं। ऑल दो कि यहाँ पे टॉयलेट्स के अंदर याद रखना अपने साथ पानी की बोतल लेकर आ जाना क्योंकि पानी नहीं होता, ज्यादातर वो हैंड सैनिटाइजर वगैरह होता है। फेयर इनफ जाहिर है वो गोरे होते हैं अपने हिसाब से चलते हैं और टिश्यू पेपर भी होता है, ऐसे नहीं है कि टिश्यू पेपर नहीं होता, तो टिश्यू पेपर और हैंड सैनिटाइजर होगा मगर वॉश बेसिन नहीं होगा काफी जगहों पे। तो जब भी जा रहे हो टॉयलेट तो भाई अपने साथ पानी की बोतल जरूर रख लेना। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट में तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा देखा कि कोई भी बेसन नहीं था, मैंने कहा शायद कोई बेसन ही नहीं है, खैर सैनिटाइज तो कर लिया लेकिन सफाई नहीं आती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी की बोतल जरूर। गाइस हम लोग ना अभी इस लेक के बिल्कुल सामने की तरफ इस तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेंचेस बनी हुई हैं, तो अगर फैमिली जैसे पिकनिक करना चाह रही है ना तो यहाँ पे बैठ के आराम से या फिर यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाएं साथ में पिकनिक करने बैठें, तो बहुत ही अच्छी जगह है यार। माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी खूबसूरत ज़मीन बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस ज़मीन को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अमेजिंग बात लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस माशाल्लाह से हमारा ना बहुत ही अच्छा यहाँ का ट्रिप रहा। लाइक हम लोगों ने आज तीन लेक्स देखी और बहुत ही अमेजिंग टाइम रहा। मैंने इन तीनों लेक्स को देखा और समझ में मुझे यही आ रहा है कि अल्लाह ताला ने वाकई कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। आप ये सोचो कि मेरी जैसे बात हो रही थी अपनी कजन से कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, आप ये सोचें क्योंकि जन्नत तो इतनी ज़्यादा परफेक्ट होगी, तो दुनिया तो इतनी परफेक्ट है भी नहीं, तो मगर फिर भी हमें हर चीज़ इतनी परफेक्ट लगती है। मतलब जो आप दरख्तों के एक पूरी सीध देखो, अलाइनमेंट देखो, इतना परफेक्ट है और सूरज जिस जिस तरफ पड़ता है वो इतनी हसीन लगती है जगह, जैसे कि वो पहाड़ सामने आप देखें तो उन पहाड़ों पे कोई सूरज नहीं आ रहा, तो वो पहाड़ उसके सामने हम जो ना कोई पिक्चर भी नहीं करवा रहे, हमें कोई खास इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये पहाड़ लग रहा है जिसके ऊपर इतना सूरज आ रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, ये लग रहा है जाग रहा है सब, तो हसीन। और ये वाला भी पहाड़ भी इवन इस वक्त बैठे हुए कैनमोर के अंदर और कैनमोर में हम लोग टिम हॉर्टन के अंदर इस वक्त बैठे हुए और ये बात भाई जो है वो कुछ कहानी सुना रहे हैं अपनी यहाँ की कैनमोर की। भाई क्या कैनमोर की कहानी क्या है यहाँ पे? भाई कैनमोर सबसे पॉपुलर सीन है क्योंकि यहाँ पर एयरबीएनबी आपको मिल जाएगा। एयरबीएनबी टाउन नहीं है, एयरबीएनबी टाउन है और यहाँ पर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे काफी डिसेंट प्राइस पे और यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स हैं आप हाइक कर सकते हैं। तो 4 आवर्स की भी हाइक है, 12 आवर्स की भी हाइक है और 2 डेज की भी हाइक है। तो यहाँ पर जितने भी आपको टूरिस्ट नजर आएंगे वो बाइक अपने साथ लेकर आते हैं और यहाँ पर लेक्स वगैरह हैं, कायाक्स वगैरह हैं, तो वो अपने साथ लेकर आते हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड पूरे सिटी की।
ओके सही। ये बताएंगे इबाद भाई कब ले रहे हैं यहाँ पे घर, अपना घर एयरबीएनबी कब छोड़ाएंगे टूरिज्म करने के लिए? ये अभी आगे की स्टोरी है, फिर ये कभी किसी और दिन पूछेंगे। तो गाइज होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह है भाई अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आने वाले व्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। तो देख लो अली बता रहे धमाकेदार होंगे एग्जैक्टली, तो देखना मैं भूलिएगा जरूर।